नमस्कार बंधुरा, ट्रैवल विद अर्णव चैनले सबाई के जानाई आरो एक बार स्वागत। आमी अर्णव आज आपनादेर सकल के निये जाबो दार्जिलिंग जिलार आरो एकटी नतून अफबिट जायगा पालमाजुआते। पालमाजुआ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्टेर लोधोमाटु ब्लकेर अंतर्गत छोट्ट एकटी सुंदर पहाड़ी हैमलेट जार उच्चता प्राय 7,250 फुट बा 2,210 मीटार। तो बंधुरा एखोनो पर्यन्त जदि ट्रैवल विद अर्णव चैनलटी आपनारा सबस्क्राइब ना करे थाकेन तबे अवश्य सबस्क्राइब करे दिन एवं पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करे अल नोटिफिकेशन ऑन करे दिन जाते आमी जखनी कोनो भिडियो पब्लिश करब ता आपनादेर मुठोफोने संगे संगे नोटिफिकेशन आकारे चले जाबे। तो बंधुरा যদি আপনারা পাহাড় ভালোবাসেন এবং তার সঙ্গে নির্জনতা ভালোবাসেন, আপনি কোনো এক পাহাড়ি নদীর ধারে হেঁটে হেঁটে কিছুটা পথ কাটাতে চান বা ঘন পাইন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনি ফটোগ্রাফি করতে চান, তাহলে আপনার জন্য পারফেক্ট ডেস্টিনেশন হলো এই লোধোমার পালমাজুয়া। বলি, মেরা নাম সুরজ রায় হ্যায়, মেরা হোমস্টে কা নাম ইয়ে হ্যায় হোমস্টে सिंगालीला चामलिंग होम स्टे। और इस जगह देखा ये है, ये व्यू यहाँ से अच्छा से दिखता है, उस तरफ दिखता है, चारों तरफ अच्छा से दिख सकता है यहाँ से, ठीक है। और मेरा होम स्टे में जितना भी आदमी आता है तो अच्छा से हम लोग ट्रीट कर देता है, और खाने में सोने के लिए एकदम अच्छा से हम लोग एकदम क्या बोलता है ये जो बहुत अच्छा सर्विस होता है, सर्विस एकदम अच्छा से देता हूँ। कैसे आना होता है यहाँ पे? यहाँ से हम लोग आप लोग का आना है सिलीगुड़ी से मिरिक होके आ सकता है, और नीचे सिलीगुड़ी से करसेंग रोहिणी का रास्ता होके दो रास्ता है वहाँ से आ सकता है माने भंजंग। माने भंजंग के बाद पहले तो सुक्या पोखरी निकलता है, सुक्या पोखरी से माने भंजंग, और माने भंजंग के बाद ये धोत्रे, धोत्रे से फिर पालमाजुआ। अब पालमाजुआ में बैठ के आप लोग ट्रैकिंग करके टोंगलू भी जा सकता है, तुमलिंग जा सकता है, और फिर गाड़ी लेके ये माने भंजंग का रास्ता होके माने भंजंग से फिर टोंगलू, तुमलिंग, संतापुर कहीं भी जा सकते हैं आप लोग। यहाँ से फिर श्रीखोला जा सकता है आप लोग, श्रीखोला से ये गोरखे समंदेन कहीं भी जा सकता है, ये एकदम सेंटर है। धोत्रे का भी सेंटर है, संतापुर भी जा सकता है कहीं भी। यहाँ से फिर दूसरा रास्ता होके दार्जिलिंग निकल सकता है आप लोग, चारों तरफ रास्ता ही रास्ता है। बंधुरा पालमाजुआ दार्जिलिंग जिलार विख्यात सिंगोलीला नैशनल पार्कर एक अंश, एवं एखे अपनी किचु किचु एम स्पेसिस देखते पा जा विलुप्त प्राय, जार मध्य अन्यतम हल रेड पांडा। এছাড়াও এখানে আপনি প্রায় 170 রকম প্রজাতির বিভিন্ন রং বেরঙে পাখি দেখতে পাবেন, এবং এখানে আছে একটি খুব সুন্দর রিভার ভ্যালি যেটির নাম হলো লোধোমা রিভার ভ্যালি। ধোত্রে থেকে এই জায়গার দূরত্ব মোটামুটি 5 কিলোমিটার, এবং ঘন পাইন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দর নিচের রাস্তা নেমে এসেছে এই পালমাজুয়া। এবং এই পালমাজুয়া থেকে আপনি আরও নিচে নেমে গেলে পাবেন শ্রীখোলা এবং রিম্বিক। তো শ্রীখোলা বা রিম্বিক যাওয়ার পথে আপনারা এই জায়গায় আসতে পারেন, এবং যদি আপনারা এই জায়গায় আসেন তাহলে এখানকার যে বেস্ট হোমস্টে সেটি হলো সিঙ্গলীলা চামলিং হোমস্টে, যে হোমস্টের রিভিউ একটু আগে আপনাদের আমি দেখাচ্ছিলাম। তো উনি যে বলছিলেন উনি হচ্ছেন এই হোমস্টের ওনার, তো ওনার ব্যবহার বিহেভিয়ার খুবই ভালো, এবং ওনার এই হোমস্টেতে যে খাবার দাবার দেওয়া হয় সেটি বাইরে থেকে আনা কোনো খাবার দাবার নয়, ওনার নিজস্ব খেতি আছে, সেই খেতি থেকে যে সমস্ত ভেজিটেবলস উনি চাষ করেন সেগুলোই রান্না করে দেন, এবং উনি নিজের চিকেনও চাষ করেন। তো সেই চিকেনও আপনি পাবেন একেবারে ওনার নিজের চাষ করা চিকেনের থেকে, একদম টাটকা খাবার। এবং বলে রাখি এখানকার ট্যারিফও খুব বেশি নয়, মোটামুটি আপনারা এখানে এলে যদি পিক সিজনে আসেন 1200 টাকায় আপনারা পার হেড পার ডে ফুডিং প্লাস লজিং পেয়ে যাবেন। এবং অফ সিজনে আমরা যে সময় গিয়েছিলাম সেই সময় এখানে বলেছিল যে এখানকার ফুডিং এবং লজিংয়ের মোট খরচ পড়বে পার হেড 1000 টাকা পার নাইট।
तो जदि आपनारा नेचार लाभार हन एवं दार्जिलिंग भीड़ एड़िए पहाड़े कैकटा दिन खूब आनंद संगे काटिए आसते चान ताहले आपनारा अवश्य आसुन ए पालमा जुआ अवश्य अपन सकल भलो लागे एवं एखान थेके आपनी अनेक साइट सीनो करे निते पारें रिम्बिक श्रीखोला तो आपनी एई पथे ही पेये जाबें एछाड़ाओ एखान थेके आपनी ट्रेक करे गोर्खे सामानदिंग टोंगलो टुमलिंग प्रभृति जायगाते खूब सहजेई चले जेते पारबें ताछाड़ा आपनी गाइड निये एखान थेके सान्दाकपुओ पेये जाबें एबं एखान थेके गाइडो पेये जाबें।